हाय एवरीवन, मैं हूं कबीर राजपूत और एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, एक चीज का जानना बहुत जरूरी है, जब भी कोई ब्रांड किसी परफ्यूम को लॉन्च करता है तो उसके पीछे जो बेसिकली टीम काम कर रही होती है उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस परफ्यूम की खुशबू पर नहीं होता, बल्कि उसका फोकस उसकी प्राइस पर भी होता है, उसकी क्वालिटी पर भी होता है, पैकेजिंग पर भी होता है और खासतौर पर उसकी थीम पर होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं बात करूँ जेडॉट की, तो मानना पड़ेगा गाइस कि जेडॉट ने अपनी परफ्यूम्स कलेक्शन को बहुत इंप्रूव किया है और अभी भी वो कर रहे हैं। वो फोकस कर रहे हैं क्वालिटी पर, खुशबू पर और खास तौर पे पैकेजिंग पर और प्राइस नहीं, प्राइस पर इतना फोकस नहीं वो कर रहे। उनको करना चाहिए थोड़ा बहुत तो फोकस उन्होंने किया, लेकिन उनको थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। मुझे याद है कि जेडॉट की एक फ्रेग्रेंस है 502 जो कि इंस्पायर्ड है वसीम अकरम से, उसके अबाउट काफी कुछ सुन रखा था मैंने। तो मैंने उस फ्रेग्रेंस को वेयर किया, उसको ट्राई किया और रियली में वो बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। ये अलग बात है कि मैंने अभी तक उस फ्रेग्रेंस का रिव्यू नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द मैं उस फ्रेग्रेंस का रिव्यू करूंगा। तो इस तरह की बहुत सी नाइस फ्रेग्रेंसेज आपको जेडॉट की कलेक्शन में मिल जाएंगी, जो कि इंस्पायर्ड है बहुत से सेलिब्रिटीज से, लाइक शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, इसामुल हक, फहद मुस्तफा, इकरारुल हसन और अभी रिसेंटली एक लॉन्च हुई है यूएई में, उसका नाम है ऑलराउंडर, विच इज इंस्पायर्ड बाय शोएब मलिक। आई थिंक पाकिस्तान में अभी तक वो लॉन्च नहीं हुई, लेकिन यूएई में वो लॉन्च हो चुकी है, तो उसकी अबाउट भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो इस तरह की सीरीज आपको जेडॉट की परफ्यूम कलेक्शन में मिल जाएंगी। तो इस बार जेडॉट ने बहुत ही डिफरेंटली सोचा, बहुत ही हटकर सोचा। कुछ मंथ पहले जेडॉट ने अपनी 3 फ्रेग्रेंसेज को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बेसिकली जेडॉट की तरफ से ट्रिब्यूट है हमारी आर्म फोर्सेज को, हमारे हीरोज को, हमारे उन हीरोज को जिनकी वजह से रातों को हम अपने घरों पर सो पाते हैं आराम से, जिन्होंने बहुत से सेक्रीफाइस किए हमारे लिए और अभी भी वो कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरा भी हक बनता है कि मैं भी इन फ्रेग्रेंस को चेक करूं और आपको बताऊं और आपके साथ शेयर करूं अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है, इनकी क्वालिटी कैसी है और कितने आवर्स तक ये फ्रेग्रेंस लास्ट करती हैं। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में मैं जिस फ्रेग्रेंस को रिव्यू करूंगा वो है जेडॉट की फ्रेग्रेंस फ्रंटलाइन बाय जेडॉट। तो चलें बात करते हैं इस परफ्यूम की। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं इसका बॉक्स, ब्रीफकेस टाइप इसका बॉक्स है। ये है इसका बॉक्स, ब्रीफकेस टाइप इसका बॉक्स है, ग्रीन कलर का। मैं इसको रिमूव करता हूं, तो चलें इसको करते हैं अनबॉक्स। यहां इसको उतार दो आप जेडॉट और इस कवर को भी उतार दो प्लास्टिक के, इसको प्रोटेक्ट करता है इसके ब्रीफकेस को। तो आप क्वालिटी देखो, क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत है। ग्रीन कलर का ये ब्रीफकेस है, फ्रंट पे फ्रेग्रेंस का नेम मेंशन है, फ्रंटलाइन बाय जेडॉट। और ये जो एनिमल का लोगो है ना, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये किस एनिमल का लोगो है। और बैक साइड में आपको इस फ्रेग्रेंस के इंग्रेडिएंट्स, प्रिकॉशन और जेडॉट की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, जहां से आप बाय कर सकते हो इस फ्रेग्रेंस को अगर आप करना चाहो। और 100 ml बॉटल है, ये बारकोड भी है और ये जेडॉट की सील है। तो बहुत ही खूबसूरत इसका ब्रीफकेस है, ग्रीन कलर का, फ्रंट लाइन यानी कि आर्मी। तो चलें इसको मैं ओपन करता हूं और दिखाता हूं अंदर से इसकी बॉटल को। यहां से आप इसको ओपन कर सकते हो। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा लाइट की वजह से, इसको प्रेस करोगे। सॉरी कुछ गिर गया। तो ये है बेसिकली इसकी बॉटल और ये साथ कीचेन टाइप है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ पाकिस्तान, ये नोट है जेडॉट की तरफ से, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। चलें बात करते हैं इसकी बॉटल की। बहुत हैवी बॉटल है और इसकी चेन की, क्योंकि मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता पूरे बॉक्स को, बहुत हैवी है ये। तो बस इसको करते हैं बंद और इसको मैं रखता हूँ नीचे। चलें रख दिया नीचे। तो पहले बात करते हैं इसकी, उसको मैं पॉकेट में रख लेता हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है कि मैं कहीं पे उसको रखूं, तो पॉकेट में ही ठीक है। तो बेसिकली ये है गाइस इस परफ्यूम की बॉटल, क्वालिटी डैम गुड, बहुत ही हैवी बॉटल है ये। फ्रंट लाइन फ्रेग्रेंस का नेम मेंशन है बाय जेडॉट, साइड्स बिल्कुल प्लेन है और क्या ही शेप बनी हुई है। और नीचे की ये 100 ml बॉटल है, EDP वर्जन है और मेड इन UAE है, ये नहीं लिखा हुआ नीचे, ये मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। तो गाइस गोल्डन कलर का इसका कैप है और इसकी जो कैप क्वालिटी है और जो कैप ग्रिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैप ग्रिप वाकई में ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैप क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। अब इसको देखकर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा था, अगर अभी भी नहीं हुआ तो मैं कहूँगा चलें जिनको आइडिया हो गया है वो मुझे बता सकते हैं, इसका नेम मैंशन कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। तो एटमाइजर आप देखो जेडॉट का लोगो मैंशन है, गोल्डन कलर का है और ये स्प्रे भी अच्छा करता है। वाह, स्प्रे रियली में अच्छा करता है और स्प्रे भी, खुशबू भी इसकी अच्छी है। तो ये थी इस फ्रेग्रेंस की बॉटल। अरे हाँ, हमने तो बात ही नहीं की इसके कीचेन की, तो चलें बात करते हैं इसकी कीचेन की। ये है इसका कीचेन, जो कि एक तोप बनी हुई है, आप अपने दुश्मन को
कभी भी उड़ा सकते हो, ऊपर जेडॉल लिखा हुआ है फ्रंट पे। तो इसका बेसिकली एक सीक्रेट है, ये इसका सीक्रेट ये है कि इसके अंदर ना आप यहाँ से अगर इसको ओपन करो ना, यहाँ से अगर आप इसको, बहुत ही हार्ड है, फुल एनर्जी चाहिए इसके लिए। मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, मुझे खाना खाना चाहिए था। तो जब आप इसको ओपन करोगे, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, जब आप इसको ओपन करोगे ना तो इसके अंदर से आपको मिलेगी USB डिवाइस, ठीक है। ये एक सीक्रेट है जहाँ पे आप अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, सीक्रेट चीज़ें रख सकते हो। तो अंदर तो कुछ भी नहीं है, जस्ट ये इसकी जगह है, ये USB टाइप है, तो जो कि आई थिंक 120 MB है, सिर्फ 120 MB है जहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो अगर आप रखना चाहो, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो खूबसूरत है इसका किचन, ओके, बॉटल भी नाइस है। ये थी इसकी प्रेजेंटेशन जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। तो चले बात करते हैं इसकी खुशबू के अबाउट, के स्मेल कैसा करती है, खाली प्रेजेंटेशन ही इसकी अच्छी है या फिर स्मेल भी अच्छा करती है। तो गाइस जब आप इस फ्रेग्रेंस को करोगे वियर, जब आप इसको लगाओगे ना, तो इसकी ओपनिंग आपको बहुत ही नाइस मिलेगी, बहुत ही डिफरेंट मिलेगी। जिडोट की जितनी भी परफ्यूम्स आपने पहले ट्राई की हैं उनको भूल जाओगे आप। इसकी ओपनिंग में आपको मैंडरिन पिंक पेपरकॉर्न जिसकी खुशबू वार्म स्पाइसी टाइप होती है, और रोज़ के नोट्स मिलेंगे जो कि 15 से 20 मिनट तक लास्ट करेंगे, एंड देन फ्रेग्रेंस के मिडल नोट्स स्टार्ट हो जाएंगे। मिडल नोट्स में आपको सीडरवुड एंड पचूली की खुशबू मिलेगी, और लास्ट में आपको एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा वनीला एंड एम्बर का जो कि एंड तक रहेगा। बहुत ही नाइस फ्रेग्रेंस है, नो डाउट। जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को ट्राई किया तो मुझे इसकी जो प्रोजेक्शन लगी, मैं अपने ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्शन और जो लास्टिंग मुझे लगी इस फ्रेग्रेंस की, 2 से 3 घंटे तक ये फ्रेग्रेंस प्रोजेक्ट करती है, 2 से 3 घंटे तक। और जो लास्टिंग है इसकी 7 से 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे ये फ्रेग्रेंस लास्ट करती है। आप इनडोर हो, आउटडोर हो, और आप इस तरह की फ्रेग्रेंस को किसी भी वेदर में वेयर कर सकते हो, इसका रिजल्ट आपको अच्छा ही दिखेगा। चाहे आप इसको विंटर में वेयर करो, आप इसको समर में वेयर करो, कभी भी आप इसको वेयर करोगे इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इरिटेटिंग ये बिल्कुल नहीं, और इसकी ओपनिंग जो है बहुत ही डिफरेंट है। पाकिस्तान में इस फ्रेग्रेंस की प्राइस आई थिंक 7,500, और UAE की बात करूँ तो UAE में इसकी प्राइस है 250 dirham। सो आई थिंक ये बेस्ट फ्रेग्रेंस है, अगर आपका कोई रिलेटिव, अगर आपका कोई दोस्त कोई भी आर्मी में है तो मैं कहूँगा एक दफ़ा तो उसको ये गिफ्ट दो, थोड़े से पैसे खर्च लो, उसको ये गिफ्ट दो, वो खुश हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ बैठे मत, जो न्यू है इस चैनल पे तो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेंड्स के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, रखना ही पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।